हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल। सो वी स्टार्टेड विद दी एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन में जस्ट प्रीवियस वीडियो सेगमेंट जो था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शन के बारे में देखा था, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फैट्स एब्जॉर्प्शन। सो फैट्स जो रहते हैं, जैसे उनका डाइजेशन हो जाता है तो फैट्स मोनोग्लिसराइड्स में और फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो भी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है आफ्टर द डाइजेशन, उसके बाद ही वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। जब हम फैट्स का डाइजेशन पढ़ रहे थे, हमने उसमें पढ़ा था कि लास्ट स्टेज जो होगी फैट्स के एब्जॉर्प्शन में वो रहेगी मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स। तो इन दो फॉर्म्स के अंदर ही फैट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और हमने इसको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर लिया था डाइजेशन चैप्टर के अंदर जब हम डाइजेशन के अंदर डील कर रहे थे। दूसरी बात होती है कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिसल्स को फॉर्म कर सकते हैं, और वो मिसल्स किसके साथ फॉर्म करते हैं, मोनोग्लिसराइड्स के साथ फॉर्म करते हैं और फ्री फैटी एसिड्स के साथ फॉर्म करते हैं। तो ये जो मिसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे मोनोग्लिसराइड्स का और फ्री फैटी एसिड्स का, कहां से, लुमेन से, ब्रश बॉर्डर जो रहता है इंटेस्टाइनल सेल्स का वहां तक। तो जो लुमेन वाला पोर्शन होता है ल्यूमेन से लेकर ब्रश बॉर्डर जो होगा इंटेस्टाइनल सेल तक, वहां तक किसको लेकर जाया जा रहा है, मोनोग्लिसराइड्स को और फ्री फैटी एसिड्स को, और वो भी कैसे, मिसल्स उनको लेकर जाते हैं। तो एक छोटा सा हमने ओवरव्यू देख लिया जो भी हमारा प्रीवियस वीडियो सेगमेंट था उसके बेसिस को लेते हुए। तो फैट्स जो होते हैं डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाएगा, मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। दूसरी बात, साथ में फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम इस तरह से यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री फैटी एसिड्स को। दूसरी चीज ये होती है कि बाइल सॉल्ट जो होते हैं, बाइल सॉल्ट वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है मिसल्स का फॉर्मेशन करना, मिसल्स, और मिसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी हम जानते हैं। मिसल्स किसके साथ मिलकर काम करते हैं, मोनोग्लिसराइड्स के साथ और फ्री फैटी एसिड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, और फिर करते क्या है, लास्ट में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मोनोग्लिसराइड्स का और फ्री फैटी एसिड्स का, कहां से कहां तक, तो ल्यूमेन से लेकर जो ब्रश बॉर्डर सेल या फिर इंटेस्टाइनल सेल बोल सकते हैं, ब्रश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल सेल तक उसका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो एक छोटा सा हमने जो भी बात इंपॉर्टेंट समझी थी वो हमने यहां नोट कर ली। अब होता क्या है, जैसे ही यहाँ जो बाइल सॉल्ट्स में से ये जो मिसल्स बने थे, मिसल्स ने अपने साथ मोनोग्लिसराइड्स को और फ्री फैटी एसिड्स को अटैच कर लिया था, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूरा एक बॉक्स जैसी चीज है जो कि इस ल्यूमेन से यहाँ इंटेस्टाइनल सेल तक जाता है। तो जैसे ही ये चीज हो जाती है कि ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल सेल तक वो चीज पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है वो हमें समझना है। तो उसके बाद यहां पर क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगी वहां पर मिसल्स जो थे वो पहले तो ये सारी चीजें यहां पर छोड़ देंगे। मिसल्स के साथ कौन अटैच था, मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स अटैच थे, तो उन दोनों को वो यहां पर छोड़ देगा, और उसके बाद वापस मिसल्स जैसे पहले एम्प्टी थे वैसे एम्प्टी होकर पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन पर क्या होता है, मिसल क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है फैटी पोर्शन को, और जो भी उसके साथ पोर्शन लगे हुए आए थे फैट से रिलेटेड उनको पर छोड़ देता है, फिर से पीछे की तरफ जाता है जहां से ल्यूमेन में पहुंच जाता है वापस, वहां ल्यूमेन में जाकर नए मोनोग्लिसराइड्स को अपने पास लेके आता है। ये जो प्रोसेस होती है कि पुराने वाले जो मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स उनको ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइनल सेल्स पे छोड़ना और वापस फिर पीछे जाके ल्यूमेन से नए को लेकर आकर फिर यहां पर छोड़ना, ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं फेरिंग कहते हैं वैसे तो, पर पहले मैं पूरा डिटेल में समझाती हूँ। फेरी, FERRY, फेरी का मतलब ही होता है कि जो मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रश बॉर्डर तक छोड़कर आना, इसी को फेरी कहते हैं। और ये प्रोसेस जो रहती है ये सिर्फ एक ही चीज कर सकती है जो कि है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स इसीलिए हम उनको कहते हैं फेरिंग एजेंट्स, इनको क्या कहते हैं, फेरिंग एजेंट्स कहते हैं। यही वो चीजें हैं या फिर ऐसे एजेंट्स हैं जो कि क्या करवाते हैं, फेरी करवाते हैं। तो फेरी क्या है, फेरी इज द प्रोसेस इन विच मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स आर सेंट टू ब्रश बॉर्डर इंटेस्टाइनल सेल्स, ये प्रोसेस होती है। तो यहां पर हमें ये कुछ पॉइंट याद रखना था क्योंकि फैट एब्जॉर्प्शन में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है जिसको हम कहते हैं फेरी। लेकिन ये जो फेरी करने वाली प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के ऊपर ही हम यहां पर अप्लाई करते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स ये जो चीजें होती है इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली कर लेती है, यानी कि जो ल्यूमेन है वहां से इंटेस्टाइनल सेल्स की जो कहना चाहिए सेल की मेम्ब्रेन होगी वो डायरेक्टली किस चीज को ले लेगी, ट्राइग्लिसराइड्स को, ट्राइग्लिसराइड्स, और दूसरा नाम हम यहां पर ले रहे हैं जो कि है डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो इन दो चीजों का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, और वो भी कहां पर, जो भी सेल मेम्ब्रेन है वहां पर। तो हमें इस बात से क्या क्या समझ में आया,
फैट्स मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जनरली. उसमें से जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो मिसल्स को बनाते हैं. मिसल्स मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. कहां से? ल्यूमेन से, ब्रज बॉर्डर ऑफ इंटेस्टाइनल सेल में. ये प्रोसेस वो हमेशा करते रहते हैं. यानी मिसल्स यहां पर जब छोड़कर आ जाते हैं मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स को, तो खाली होकर वापस ल्यूमेन तक पहुंचते हैं और फिर वहां से नए को कैरी ओवर करने लगते हैं. इस प्रोसेस को फेरी कहा जाता है. और फेरी जिस एजेंट की वजह से होती है, उन फेरिंग एजेंट्स को बाइल सॉल्ट्स ही कहा जाता है. इसके अलावा डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, ये दो जो चीजें, इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है. तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं चाहे तो इस चीज को कि द पॉइंट इज नोट वर्दी दैट सिंस ओनली मोनोग्लिसराइड्स एंड फ्री फैटी एसिड्स आर फेरीड बाय द बाइल सॉल्ट्स, दे आर ओनली सेंट फॉर एब्जॉर्प्शन. दो द सेल मेम्ब्रेन इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्प्शन इवन डाइग्लिसराइड्स एंड लिटिल ट्राइग्लिसराइड्स. ये बात आपको याद रखनी थी यहाँ पर. इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये कहता है कि जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, मैं उसको एफ ए लिख लेती हूँ, आप पूरे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लिख देती हूँ, एफ ए एन, फैट एब्जॉर्प्शन लिख रहे हैं हम इसको. तो फैट का एब्जॉर्प्शन ग्रेटेस्ट जिस जगह पर होता है, सबसे ज्यादा जिस जगह पर होता है, उसको कहते हैं अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जो अपर पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर सबसे ज्यादा फैट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है. ऊपर वाला रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये इतना याद रखना है. लेकिन जो एप्रिशिएबल अमाउंट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होते रहते हैं. कहां पर? इलियम में. तो इलियम के अंदर भी अच्छा खासा अमाउंट होता है. तो सम एप्रिशिएबल अमाउंट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब इन इलियम, ये भी याद रखना है आपको. एप्रिशिएबल अमाउंट यहां भी एब्जॉर्ब होता है, ये मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी. दूसरी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फैटी एसिड्स का अंदर की तरफ जो हो रहा है, तो वो पूरी तरह से हमें ऐसे दिखाई जो देता है वो खुद ब खुद नहीं होता. कहीं ना कहीं उसमें उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब जाके ही वो ट्रांसपोर्ट होता है. जिसको हम अभी यहां पर कह रहे थे कि ये जो ट्रांसपोर्ट यहां पर हो रहा होगा या फिर इनका ट्रांसपोर्ट जो यहां होगा, इन सभी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बिना एनर्जी के वो काम नहीं हो सकता. तो ये तो बट ऑब्वियस, हम इसको सिर्फ यहां पर नोट नहीं कर रहे, सिर्फ समझ रहे हैं. अब यहां पर क्या होता है, एक कंसेप्ट रहता है जिसको कहते हैं फेट ऑफ फैटी एसिड्स. यानी फाइनली फैटी एसिड्स के साथ होता क्या है, क्योंकि अब तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो, लेकिन वो किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे, उनका पूरा प्रोसेस क्या होगा, उसके ऊपर दो तरह की प्रोसेस आती है. तो फेट जो होती है फैटी एसिड्स की, वो दो तरह से डिवाइडेड होती है. और वो किस पर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर डिपेंड करती है फैटी एसिड का. जो भी साइज होगा फैटी एसिड का, उसके ऊपर उसकी आगे की जिंदगी या आगे का जो भी प्रोसेस होगा फैटी एसिड का, वो उसी के ऊपर रिलेटेड होगा या उससे कनेक्टेड होगा. तो साइज के ऊपर हमें याद रखना है. तो द सब्सिक्वेंट फेट ऑफ फैटी एसिड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ फैटी एसिड, इतना याद रखना जरूरी है. अब जो ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि जिनमें 10 से लेकर 12 कार्बन एटम्स से भी ज्यादा कम एटम्स होंगे, यानी कि फैटी एसिड्स ऐसे जिसमें 10 से लेकर 12 कार्बन एटम्स से भी कम हो, ठीक है, 10 से 12 नॉर्मली होना चाहिए. अगर इससे भी कम कार्बन एटम्स है किसी फैटी एसिड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो म्यूकोसल सेल को डायरेक्टली पास कर लेते हैं और पोर्टल ब्लड तक पहुंच जाते हैं. यानी कि एक यहां पर दीवार होती है जिसको क्या कहते हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ऐसे फैटी एसिड्स जो कि 10 से लेकर 12 कार्बन एटम भी उनके पास नहीं है, उससे कम है या फिर इतने ही है, वो फैटी एसिड डायरेक्टली इस म्यूकोसल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं. क्रॉस करके वो जिस जगह पर पहुंचते हैं उसको कहते हैं पोर्टल ब्लड. तो पोर्टल ब्लड तक वो चीज यहां पर पहुंच जाती है. उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. और कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? फ्री अनएस्टरीफाइड फैटी एसिड्स के फॉर्म में. तो यहां पोर्टल ब्लड में आने के बाद ट्रांसपोर्ट नाम की चीज होती है उसके साथ, ट्रांसपोर्ट. और किस फॉर्म में होती है? फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में, फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अनएस्टेरीफाइड. सो आई होप यहां पर क्लियर हो रही हो बातें कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसके ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें, इसके कॉन्ट्रारी अगर हम बात करते हैं, तो जो फैटी एसिड्स जिनके अंदर, ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें 10 लेकर 12 कार्बन एटम्स से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, तो अगर इससे बड़ा साइज है यानी इससे ज्यादा कार्बन एटम्स है, तो ऐसे फैटी एसिड्स जो होते हैं इनका फेट ये होता है कि ये वापस से एस्टेरीफाई किए जाते हैं. सो री एस्टेरीफाइड होते हैं ये, इनके साथ ये होता है. और री एस्टेरीफाइड होने के बाद इन फैटी एसिड्स को जिसमें कन्वर्ट किया जाता है वो रहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद म्यूकोसल सेल के अंदर वो पहुंचते हैं, वहां से वो पास होते हैं. लेकिन कभी कभी म्यूकोसल सेल में जाते हैं, ये तो बात ठीक है. लेकिन एक चीज यहां पर और याद रखनी है कि ऐसे ट्राइग्लिसराइड्स जनरली अच्छे से पास नहीं हो पाते. तो इसके ऊपर क्या करना होता है कि कोटिंग लगानी होती है, जो कि लिपोप्रोटीन की या फिर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, इन सबकी कोटिंग रहती है. उसके बाद वो एक नई चीज बना लेते हैं जिसको कहने लगते हैं ग्लोब्यूल्स. और ग्लोब्यूल्स का मेन नाम जो रहता है वो रहता है काइलोमाइक्रॉन्स.
तो काइलोमाइक्रॉन्स यहीं पे उसका कंसेप्ट आता है कि काइलोमाइक्रॉन्स यहां पर बनते हैं इस तरफ वाली कंडीशन में, फिर उसके बाद वो म्यूकोसल वाली ये जो मेम्ब्रेन है उसको पास कर पाते हैं, उसके बाद वो लिम्फ तक पहुंचते हैं जो कि लेक्टियल्स में होता है, फिर उसके बाद वो लिम्फेटिक्स को पूरा पास करते हैं और अल्टीमेटली जो वीनस ब्लड होता है उसमें जाकर मिक्स हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हम यहां पर नोट भी करते चलेंगे। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड्स यहां पर बने हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, तो इस ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक कोटिंग लगानी होती है। मैं कोटिंग को इस तरह से डॉटेड फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट कर रही हूं। अब कोटिंग किस किस चीज की होती है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। तो कोटिंग जो है, मैं यहाँ कोटिंग का पॉइंट ले रही हूं, तो कोटिंग लिखेंगे हम। कोटिंग किस चीज की होती है, पहली होती है लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद होती है कोलेस्ट्रॉल की, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। और थर्ड पॉइंट यहां पर होता है फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड, ये तीन पॉइंट यहां पर होते हैं। और फिर वो जो चीज बनाते हैं उसको कहने लगते हैं हम लोग, अब जो नई चीज बन जाती है वो कुछ ग्लोब्यूल्स होते हैं, और वो ग्लोब्यूल्स जो नाम कहलाता है उनका वो होता है काइलोमाइक्रॉन्स। तो फाइनली हम जिस कंसेप्ट पे आ जाते हैं वो रहता है काइलोमाइक्रॉन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब काइलोमाइक्रॉन्स फिर उसके बाद म्यूकोसल वाली जो सेल्स हैं, म्यूकोसल सेल्स जो है उनको पास भी कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, म्यूकोसल सेल तक जाएंगे काइलोमाइक्रॉन्स, उसके बाद लिम्फ जो है उसमें आ जाएगी, यानी खासतौर पे लेक्टियल, आपको याद होगा मैंने डायग्राम में भी शो करा था लेक्टियल, लेक्टियल के अंदर जाते हैं। तो लिम्फ में भी आपको याद क्या रखना है, एक बड़ी वाली को लेक्टियल याद रखना है। लेक्टियल के बाद वो लिम्फेटिक्स को पूरा पार कर देते, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम से पार होते होते कहां पहुंचते हैं, अल्टीमेटली वीनस ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, वीनस ब्लड के अंदर। तो इस तरह से पूरा कंसेप्ट यहां पर रहता है, ये आपको याद रखना था। फेट ऑफ फैटी एसिड्स में दो कंसेप्ट यहां पर रहेंगे, एक होता है फैटी एसिड जिसमें 10 से लेकर 12 कार्बन एटम्स या उससे कम होते हैं, उसमें वो डायरेक्टली म्यूकोसल मेम्ब्रेन को पास करके पोर्टल ब्लड में पहुंच जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट फ्री फैटी एसिड अनस्ट्रीफाइड फॉर्म में हो जाता है। दूसरे फैटी एसिड जो कि 10 से लेकर 12 कार्बन एटम से ज्यादा वाले होते हैं, इनको फिर से रीएस्ट्रीफाई करना होता है, ट्राइग्लिसराइड बनाना होता है, और उसके बाद उनपे कोटिंग इन तीन चीजों की लगानी होती है, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। उसके बाद वो ग्लोब्यूल्स जैसे दिखने लगते हैं जिनको काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं, जो कि यहां पर म्यूकोसल सेल्स को, फिर लिम्फ को, लेक्टियल को, पूरे लिम्फेटिक्स को पार करते हुए वीनस ब्लड तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ लास्ट में इसको सम अप करने के लिए एक पॉइंट और यहां पर हम ऐड करेंगे कि जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की, ठीक है, एक कौन से होते हैं, स्मॉल चेन फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, इनकी अगर छोटी क्वांटिटी कम है, जैसे कि कौन से हो गए, बटर हो गया, फैट हो गया, ये दो चीजें खासतौर पर, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं किसके अंदर, पोर्टल ब्लड के अंदर। पोर्टल ब्लड में ये चीजें डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको याद रखना है, रादर देन बीइंग कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये बातें आपको यहां पर याद रखनी है कि अगर स्मॉल चेन फैटी एसिड है, फॉर एग्जांपल दिस बटर एंड फैट, तो अगर उनको देखा जाए तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द पोर्टल ब्लड रादर देन बीइंग कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। वो ट्राइग्लिसराइड्स में बीच में नहीं बदलेंगे, जैसे कि अभी मैं बता रही थी कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें 10 से लेकर 12 कार्बन आइटम्स अगर ज्यादा कंडीशन वाले हैं तो पहले उन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स में बदलते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो जाकर लिम्फेटिक तक पहुंचता है। लेकिन यहां पर बटर और फैट वाली कंडीशन में ऐसा याद रखना कि वो डायरेक्टली पोर्टल ब्लड में चले जाता है, उसको जरूरत नहीं होती कि वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो देन वो लिम्फेटिक्स तक जाए, फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं वीनस ब्लड तक पहुंचता है। इस तरह का प्रोसेस नहीं होता बल्कि वो डायरेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब, बस इतना याद रखना है यहां पर, डायरेक्टली एब्जॉर्ब, ये चीजें यहां तक नहीं। यहां पर फैट्स का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद दूसरा एब्जॉर्प्शन बाइल सॉल्ट्स पर है। सो बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्प्शन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत इजी भी है कंपैरेटिवली, हम दूसरे एब्जॉर्प्शन से अगर इसको कंपेयर करते हैं। जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अगर हम उसको देखेंगे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की किसकी बात कर रहे हैं, हम अपर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ नोट भी करते चलेंगे साथ में। जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वहां पर बाइल सॉल्ट जो रहते हैं वहां पर एब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि वहां पर तो उनका काम चलता रहता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग। अभी हम बात ही कर रहे थे फेरिंग की, तो फेरिंग का काम यहां पर इस जगह पर तो होता रहता है, तो इस जगह पर बाइल सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होना है, एब्जॉर्प्शन वो तो यहां नहीं होता, इस प्लेस पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, क्योंकि इनका काम वहां पर फेरिंग का, अगर फेरिंग करवानी है तो इनकी जरूरत पड़ेगी, और अगर ये वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फेरिंग फिर कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए इस जगह पर तो पहला पॉइंट हमारे पास जो आ जाता है वो ये रहता है कि अपर पार्ट जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता बाइल सॉल्ट का। फिर आगे क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो जो टर्मिनल इलियम वाला पोर्शन होता है वहां पर जाकर एब्जॉर्ब होता है।
तो टर्मिनल ईलियम वाले पोर्शन में जाकर बाइल सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और वो भी तब होता है जब वो अपना फेरिंग का जॉब पूरा करके आ गए हो। तब अगर उन्होंने अपना फेरिंग का काम पूरा कर दिया तभी जाकर वो टर्मिनल ईलियम में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं, वरना वो वहां पर भी एब्जॉर्ब नहीं होते। तो यहां पर लिख सकते हो बाइल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन टर्मिनल ईलियम आफ्टर द जॉब ऑफ फेरिंग हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड। उसके बाद क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन होता है यहां पर टर्मिनल ईलियम में बाइल सॉल्ट्स का, वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है और वो कैरियर मीडिएटेड होती है। तो यहां पर टर्मिनल ईलियम के अंदर क्या क्या याद रखना है, बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन यहां पर होगा पहली बात। दूसरी चीज यहां पर याद रखनी है कि एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी एनर्जी का यूसेज भी यहां पर होगा, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और थर्ड पॉइंट यहां पर कहता है कि इस प्रोसेस के अंदर कैरियर मीडिएशन देखने को मिलता है, यानी किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है तब जाके ये चीज हो पाती है, तो ये कैरियर मीडिएटेड है। तो ये तीन पॉइंट्स हमें यहाँ पर याद रखना है। लेकिन कभी कभी किसी इंसान में ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से ये जो टर्मिनल ईलियम है वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता बाइल सॉल्ट्स का, बल्कि थर्ड चीज क्या होती है, डिस्टल ईलियम वाला जो पोर्शन होता है, डिस्टल ईलियम वाला पोर्शन, वहां पर इन बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो ये एक तरह की कंडीशन है जिसको हम पैथोलॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल कंडीशन कह सकते हैं, और जो कि नॉर्मल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती है किसी किसी के अंदर। डिस्टल ईलियम वाले पोर्शन में जाकर बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है किन्हीं किन्हीं लोगों के अंदर। तो जो मतलब कहना चाहिए ये पोर्शन होगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बाइल सॉल्ट्स को बेसिकली, मेरा मतलब सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, हम इसको यहीं ऐड करेंगे। टर्मिनल और डिस्टल ईलियम लगभग एक ही पोर्शन को हम कह सकते हैं, ये आप यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। सो टर्मिनल ईलियम जो है वो नॉर्मली ये सब करता है, वही डिस्टल ईलियम है वहां पर बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, लेकिन अगर किसी में ये नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है। तब ऐसी कंडीशन में सिंपल क्या याद रखना है, टर्मिनल ईलियम एंड डिस्टल ईलियम सेम चीज है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए बाइल सॉल्ट का, एक्टिव प्रोसेस होती है, कैरियर मीडिएटेड होती है। लेकिन अगर किसी के अंदर बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन डिस्टल ईलियम में या टर्मिनल ईलियम में नहीं हो पा रहा है, तो वो एक तरह की पैथोलॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल कंडीशन वहां पर बना देता है। इस वजह से जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो कहां पर पहुंच जाते हैं, थर्ड कंडीशन अब बनती है, बाइल सॉल्ट इफ नॉट एब्जॉर्ब्ड रीच इन कोलन, कहां पर पहुंच जाते हैं, कोलन में पहुंच जाते हैं, ये याद रखना है यहां पर आपको। और कोलन में जाकर वो क्या करते हैं, जो कोलोनिक म्यूकोसा होती है यानी कोलन की जो वॉल होती है उसको इरिटेट करने लगते हैं। यहां पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, दूसरी स्टेप, इरिटेट कोलोनिक म्यूकोसा, आई होप विजिबल होगा और समझ में भी आ रहा होगा, कोलोनिक म्यूकोसा को इरिटेट करने लगते हैं। प्रिजम्बली यहां पर होता क्या है, क्योंकि जो ये होना चाहिए बाइल सॉल्ट जो होते हैं इनका नेचर जो होता है वो डिटर्जेंट जैसा होता है, यानी कि डिटर्जेंट कैसा करता है, कपड़ों के ऊपर से डर्ट को हटाता है, उसी तरह से ये डिटर्जेंट जैसी प्रॉपर्टीज के होते हैं बाइल सॉल्ट। तो अभी कोलन तक पहुंच गए, तो कोलन में जाकर कोलोनिक म्यूकोसा को बहुत ज्यादा इरिटेट करते, परेशान करने लगते हैं, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, डिटर्जेंट जैसा होता है, डिटर्जेंट लाइक नेचर, ये याद रखना है आपको। यहां पर उनका नेचर इस तरह का होता है, और इस सॉल्ट के अंदर ये प्रॉब्लम होने की वजह से वो इरिटेशन कॉज करते हैं। तो इस इरिटेशन को हटाने के लिए कोलोनिक म्यूकोसा क्या करती है, वो अपने अंदर बहुत सारा म्यूकस बनाने लगती है, और फिर बहुत ज्यादा कॉपियस क्वांटिटी में म्यूकस बनेगा तो उसमें वाटर भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, इस वजह से उस इंसान के अंदर डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि बाइल सॉल्ट जो है अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ डिस्टल ईलियम में और कोलन तक पहुंच गया, तो उसने कोलोनिक म्यूकोसा का परेशान करना शुरू करा। क्यों परेशान करा, क्योंकि वो डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी का था। उसके बाद इससे लड़ने के लिए कोलोनिक म्यूकोसा ने क्या करा, कोलोनिक म्यूकोसा कोप बाय प्रोड्यूसिंग कॉपियस अमाउंट, यहां पर इस तरह से कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर म्यूकस, या फिर सिंपल म्यूकस लिखिए आप, म्यूकस और बीच में लिख लिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, साथ में बहुत सारे इसमें हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं डायरिया। तो वो समअप कर लेते हैं, बस इतना ही था। अब मैं फटाफट यहाँ पर आपको समअप करके बता देती हूँ बाइल सॉल्ट्स के एब्जॉर्प्शन को।
स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट के अंदर तो कोई एब्जॉर्प्शन होता नहीं है क्योंकि वहां फेरिंग प्रोसेस करते हैं बाइल सॉल्ट, तो उनका एब्जॉर्प्शन करवाना बिल्कुल बेकार है वहां पर। दूसरी चीज होती है टर्मिनल इलियम या डिस्टल इलियम में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और बेसिक एब्जॉर्प्शन यही होना चाहिए। एक्टिव प्रोसेस है कैरियर मीडिएटेड, लेकिन किसी इंसान में अगर डिस्टल इलियम या टर्मिनल इलियम में बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो पा रहा है तो एक तरह की पैथोलॉजिकल और प्रैक्टिकल कंडीशन है। और इस कंडीशन में यह होता है कि जो बाइल सॉल्ट है अगर वो यहां एब्जॉर्ब नहीं हुए ऊपर वाले पोर्शन में तो वो कोलन में पहुंच जाते हैं। कोलन में पहुंच के वो कोलोनिक म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं क्योंकि उनकी डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी होती है। कोलोनिक म्यूकोसा इससे लड़ने के लिए बहुत सारे कोपियस अमाउंट में म्यूकस को प्रोड्यूस करती है जिसमें वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इस वजह से जो भी इंसान होता है उसको डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है। लास्टली हमारे पास आ जाता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन। इन दोनों ही चीजों का एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली जिस जगह पर होता है उसको कहते हैं कोलन। कोलन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ एक्टिव एब्जॉर्प्शन आपको याद रखना है, यानी एनर्जी का यूसेज होगा और आयन्स वगैरह जितनी भी चीजें होती है जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस करते हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, एक्टिव मेथड से ही होगा। और ल्यूमन जो रहता है यहाँ पर लेस कंसेंट्रेटेड हो जाता है बेसिकली, इस वजह से जो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वो सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बेसिस पर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक्टिव है जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है आयन्स का बस वो देखने को मिलेगा मेनली, उसके बाद जितना भी एब्जॉर्प्शन है वो नॉर्मली भी हो जाता है। कैसे हो जाता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप ये भी याद रखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी यहाँ पर होता है। थोड़ी बहुत एनर्जी की यूसेज के लिए आयन्स की जरूरत पड़ती है, आयन्स का एब्जॉर्प्शन करवाना है तो थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बाकी जितना भी एब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बेसिस पर हो जाता है। क्योंकि जो ल्यूमन होता है ल्यूमन वो कैसा हो जाता है यहाँ पर लेस कंसेंट्रेटेड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर नॉर्मली ये प्रिंसिपल्स वर्क करने लग जाते हैं। तो ये कोलन में होता है बस इतना काफी था। सो दीज टू आर एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, दीज टू आर एब्जॉर्ब साइमल्टेनियसली इन कोलन। द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन्स प्रोड्यूस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज ल्यूमन बिकम लेस कंसेंट्रेटेड एंड हेंस वाटर इज एब्जॉर्ब फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लास्ट हमारे पास अब एब्जॉर्प्शन के अंदर जो टॉपिक रह जाता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, देन हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। सो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस में आपको सिंपल ये याद रखना है, जो भी फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया है और अनएब्जॉर्ब रह गया है, एक जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, यानी कि डाइजेस्ट भी अगर हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इन दोनों ही कंडीशंस पे इन दोनों चीजों के ऊपर यानी ऐसे फूड मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड भी है और अनएब्जॉर्ब भी है उसके ऊपर कोलोनिक बैक्टीरिया वर्क करता है। कौन वर्क करता है? कोलोनिक बैक्टीरिया वर्क करता है और उसको फीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब जो बैक्टीरिया यहां पर है कोलोनिक बैक्टीरिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पर वो गैसेस को प्रोड्यूस करता है, विटामिन के को प्रोड्यूस करता है, विटामिन B12 को, थायमिन, राइबोफ्लेविन, इन सभी विटामिन को वो वहां पर प्रोड्यूस करता है और ये सारी चीजें मिलकर वहां पर एक चीज बनाती है जिसको कहते हैं फ्लैटस। ठीक है, फ्लैटस आपको ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। सो फ्लैटस के अंदर क्या क्या चीजें, क्योंकि बैक्टीरिया जब ये चीजें कर रहे हैं फीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी दौरान बैक्टीरिया जो चीजों को फॉर्म करते हैं वो रहती है गैसेस, विटामिन के, विटामिन B12, थायमिन, राइबोफ्लेविन और उसके बाद फ्लैटस वहां पर फॉर्म होता है। और ये जो फीसेस होते हैं नॉर्मली इसमें 3/4 वाटर होगा, 1/4 सॉलिड मैटर होगा जो कि 30% डेड बैक्टीरिया से बना होगा, 10 से लेकर 20% उसमें फैट होगा, 0 से 20% इनऑर्गेनिक मैटर रहेगा, 2 to 3% प्रोटीन एंड 30% अनडाइजेस्टेड रफेज ऑफ द फूड रहेगा। उसके अलावा कुछ ड्राइड कंस्टिट्यूएंट्स भी होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस के जो कि फीसेस को बनाते हैं यहां पर। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो ब्राउन कलर होगा फीसेस में वो जिस चीज की वजह से होता है, इसके ऊपर नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, CSIR नेट में भी आ चुका है, जिसको कहते हैं ब्राउन कलर ऑफ फीसेस इज ड्यू टू द पिगमेंट्स कॉल्ड स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिन। ये दो याद रखना है, फीसेस का ब्राउन कलर रीजन क्या होगा यहाँ पर आपको वो याद जरूर रखना है, स्टर्कोबिलिन और दूसरा होता है यूरोबिलिन। ये पॉइंट याद रखना है, मैं हर चीज यहां नोट नहीं कर रही हूं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने कंस्टिट्यूशन आपको इसकी बताई वो नहीं बताई, फ्लैटस का जो कंस्टिट्यूशन बताया वो मैंने यहां नोट नहीं करा है, जस्ट आप उसको नोट अपने मेरे वर्ड्स के ऊपर लिखते हुए बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या याद रखने की चीजें यहां पर, ये दोनों चीजें जो स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन ये डेरिवेटिव्स किसके होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये बिलिरुबिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जब हम लोग इसकी डिटेल्स पढ़ रहे थे डाइजेशन में तो हमने डिस्कस वहां भी करा था। तो जो स्पेसिफिक ओडोर होती है फीसेस की वो क्यों होती है, ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, ये भी याद रखना है। और उसमें जो चीजें होती है वो कौन सी होती है, इंडोल्स, केटोल, मेरकाप्टेंस होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जिस वजह से वहां पर फीसेस में वो एक जो ओडर रहेगी वो प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद जो भी प्रोसेस रहती है आपको पता होगी कि पूरा जो बैक्टीरिया का डाइजेशन है, बैक्टीरिया किस तरह से उन सबको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है और किस तरह से वो कन्वर्ट करता है, वो पूरी प्रोसेस रहती है। तो ओडर के लिए कुछ पॉइंट यहां पर मेंशन कर देती हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, इंडोल, स्केटोल और
मेयर कैप्टन्स, उसके बाद आपको याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो मैं H2S लिख देती हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड को, इसकी वजह से ऑर्डर रहेगी फीसेस की। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं द फीसेस सो फॉर्म्ड आर डिफिकेटेड आउट वेन एवर डिजायर्ड, ये प्रोसेस पूरी रहती है, लास्ट प्रोसेस की फॉर्मेशन ऑफ फीसेस जो कि हमें यहाँ पढ़ना जरूरी था। तो यहाँ पर पूरा एब्जॉर्प्शन कम्प्लीट हो जाता है। लास्ट में यहाँ पर एक फैक्ट आपको बता देते हैं, तो लास्ट में मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स यहाँ पर बता देती हूँ कि डायरिया और डिसेंट्री, मैं सिर्फ यहाँ पर बताऊंगी, आप इस इम्पॉर्टेंट नहीं है नोट करना, सिर्फ समझ लीजिए डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको पहले यहाँ पर बताती हूँ। कि ज्यादातर ये लोग समझते कि डायरिया और डिसेंट्री एक ही चीज होती है, लेकिन डायरिया में क्या होता है, इंक्रीज क्वांटिटी में या फिर फ्रीक्वेंसी जो होती है स्टूल्स की वो वहां पर बढ़ जाती है, जिस वजह से वहां पर स्मॉल बोवेल डिसफंक्शन हो जाता है, बोवेल जो रहता है वहां पर एक डिसफंक्शनिंग आ जाती है, तो स्मॉल बोवेल डिसफंक्शन वहां पर हो जाता है जिसकी वजह से इंसान को हाइपर मोटिलिटी वाली प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर मैं डिसेंट्री में बात करूं तो डिसेंट्री में इंक्रीज क्वांटिटी में या फिर जो स्टूल्स है उसमें फ्रीक्वेंसी जो है ब्लड की और म्यूकस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, प्राइमरीली वहां पर लार्ज बॉवेल डिसफंक्शन होता है। तो डिसेंट्री और डायरिया में मेन फंक्शन डिफरेंस यही है कि डायरिया में स्मॉल बॉवेल डिसफंक्शन होगा, वहीं डिसेंट्री के अंदर लार्ज बॉवेल डिसफंक्शन होगा। ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, क्योंकि जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का न्यूट्रिएंट्स का वो होता है स्मॉल बॉवेल के अंदर, तो स्मॉल बॉवेल में वो चीज हो जाती है, तो डायरिया जो रहता है उसके अंदर माल एब्जॉर्प्शन मेल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे कि पेशेंट जो रहता है वो बेड रिडन हो जाता है और डिहाइड्रेटेड रहता है पूरी तरह से। वहीं अगर मैं डिसेंट्री में बात करूं तो वो एक तरह का लार्ज बॉवेल डिसफंक्शन है, तो इस वजह से डिसेंट्री के अंदर जो ये चीजें हो रही है वो कुछ भी नहीं होती, जो कि डायरिया में हो रही थी वैसा कुछ भी डिसेंट्री में इंसान को नहीं होता, बल्कि यहां पर जो पेशेंट रहता है वो कंटिन्यू करता है कि वो थोड़ा हेल और हार्टी दिखाई देता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। हेल की स्पेलिंग है HALE, दूसरा हार्टी है HEARTY। तो ये दोनों का डिफरेंस था जो कि डायरिया और डिसेंट्री में आपको पता होना चाहिए, कभी वाइवा में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। तो डायरिया में क्या याद रखना है, स्मॉल बॉवेल डिसफंक्शन, वहीं डिसेंट्री में लार्ज बॉवेल डिसफंक्शन, और हाइपर मोटिलिटी किसमें देखने को मिलती है तो वो डायरिया में देखने को मिलती है। डिसेंट्री जो रहता है उसके अंदर कुछ भी चीजें डायरिया जैसी नहीं होती, बस इंसान थोड़ा सा हार्टी और हेल दिखाई देने लगता है, लेकिन ऊपर वाले केस में यानी डायरिया वाले केस में आपको याद होगा तो उसके अंदर उस इंसान में बहुत ज्यादा कहना चाहिए एक डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो डायरिया है वही मेन तरीके से वो प्रॉब्लम है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का वो स्मॉल बॉवेल के अंदर होता है, तो स्मॉल बॉवेल के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का अगर वही नहीं हो पाएगा तो डायरिया में ज्यादा इंसान को प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा एक चीज मैं यहां पर लास्ट में टू सम अप कह रही हूं, यहां पर रेशनल होता है आपको पता होगा उसके बारे में, कि कुछ लोग कहते हैं कि मील्स के बाद हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि मील्स के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो उसका कंसेप्ट यहाँ पर समझ रहे हैं, छोटा सा है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, वो एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लगता है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है, उसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो उस टाइम पर खाने को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करवाने में बॉडी को बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ती है, और वो ब्लड कहां पर होना चाहिए, गट वाले पोर्शन में होना चाहिए। सो सिंस जो ब्लड वॉल्यूम है बॉडी के अंदर वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो हैंड्स में जा रहा है, लेग्स में जा रहा है, हेड में जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, हर जगह पर जा रहा होता है, लेकिन वो ब्लड अभी फिलहाल कहां होना चाहिए, गट में होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में उस ब्लड को स्टील किया जाता है, कहां से चुराया जाता है कहना चाहिए, स्टील कहते हैं, तो स्टील किया जाता है कहां से, लिम्स में से, और लिम्स में से निकाल के वो ब्लड कहां पर लाया जाता है, गट तक लाया जाता है, और फिर वहां गट में आकर वो जो भी प्रोसेस है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की वो करवानी होती है। तो इससे हमें क्लियरली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो लिम्स होते हैं उस टाइम पर उनको रेस्ट करना चाहिए मील्स खाने के बाद, क्योंकि अगर हम उनको रेस्ट नहीं करवाएंगे तो अगर लिम्स हैं वो अगर चलने फिरने में काम कर रहे हैं, जैसे पैर और हाथ अगर कुछ वर्किंग प्रोसेस में है, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो जो ब्लड है वो वहां से स्टील नहीं हो पाएगा, वरना उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिम्स को अगर मूव करवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर ब्लड होगा तभी वो मूव कर पा रहे हैं, तो उनको उस टाइम के लिए रोकने के लिए लिम्स का मूवमेंट अगर रोका जाएगा तभी तो वहां का जो ब्लड होगा वो गट तक पहुंचेगा और फिर फूड को डाइजेस्ट भी करवा पाएगा और एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। सो इन अदर वर्ड्स लास्ट में ये लिख सकते हो आप कि नो एक्सरसाइज शुड बी डन आफ्टर मील्स, कोई एक्सरसाइज मील्स के बाद नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि सारा ब्लड गट तक पहुंचाना होता है डाइजेशन के लिए। सो आफ्टर फूड इज ईटन इट इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, फॉर दिस मोर अमाउंट ऑफ ब्लड शुड कम टू गट, बट सिंस ब्लड वॉल्यूम इन बॉडी इज फिक्स्ड बॉडी डज दिस बाय स्टीलिंग ब्लड फ्रॉम लिम्स एंड शिफ्टिंग इट टू द गट, फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट लिम्स मस्ट बी रेस्टिंग आफ्टर मील्स, और इन अदर वर्ड्स नो एक्सरसाइज शुड बी डन आफ्टर मील्स। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट इसके बाद मेटाबॉलिज्म रहेगा जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक रहता है हायर क्लासेस के लिए, तो उसमें सारा मेटाबॉलिज्म हम मोस्ट प्रोबेबली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट से. सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी लर्निंग.